यहाँ पर तो हमको आधा घंटा हो गया वेट करते हुए। ये चौथा वाला लैंडस्लाइड है। हम चलते हैं मंदिर के अंदर। भीड़ देख सकते हो आप लोग इस टाइम। मैं 17 नवंबर को आपके बद्रीनाथ के कपाट बंद होंगे रात को 9 बजे। बद्रीनाथ के पीछे जो पहाड़ आपको दिखाई दे रहे हैं वो है नर और नारायण पर्वत। It's 6:30 AM. तेरी सेवा है आने वाले मंदिर वाले जूते चप्पल इधर। आप मेरे सामने देख सकते हैं बद्रीनाथ की हिमाच्छादित पहाड़ियाँ, और उसके बाद ये जो यहाँ पर है धूप आने लगी है और पहाड़ चमकने लगे हैं। सामने आप देख सकते हैं बद्रीनाथ मंदिर, यहाँ पर बद्रीनाथ जी की पूजा। भीड़ देखिए बद्रीनाथ जी के मंदिर में। उधर है माड़ा। नीचे तप्त कुंड के गर्म पानी में सब लोग स्नान कर रहे हैं। यहाँ पर सामने से माता की डोली की आवाज आ रही है। बद्रीनाथ धाम से अब वापस आ रहे हैं और यहाँ से सीधा निकलते हैं अब माणा गांव की तरफ को, और वहाँ जाके देखते हैं। हम लोग उस डाइवर्जन के पास पहुंच गए हैं जहां पर ये बोर्ड लिखा हुआ था, जिसमें पहले लिखा था भारत का अंतिम गांव माणा, और अभी लिखा हुआ है भारत का प्रथम गांव माणा। अब यहां पे थोड़ा फोटो शूट करेंगे हम लोग। दो साल पहले जब हम आए थे तो रोड उस तरफ से थी जहाँ पे से झरना बह रहा है, और इतना पानी पानी भरा रहता था वहाँ पर, जाम ही जाम रहता था। अभी ठीक हो गया इधर से। लास्ट टाइम हम बहुत आगे तक अपनी बाइक लेके चले गए थे, जिसकी वजह से हमको टर्न करने में बड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। ये व्यू देखो, अभी थोड़ी देर में मैं आपको दिखाऊंगी यहाँ का संगम, सरस्वती का अलकनंदा, ये क्या है, विष्णु गंगा से संगम। सो दिस इज द एंट्रेंस ऑफ माणा विलेज। आगे आगे हमारे राइडर साहब, पीछे पीछे मैं। हेलमेट उतारा नहीं है मैंने, मेरे पीछे है फॉरेनर। ये हमें कल लास्ट जोशीमठ में भी मिले थे ट्रैफिक जैम में। वैसे तो हमें वसुधारा वाटरफॉल्स तक भी जाना था, बट आज हो नहीं पाएगा। हैंडमेड स्वेटर्स, चलो ऊपर को, ये तो उनका उनका गांव है।
इधर गांव है इनका, हमें जाना है आगे। थकान लग रही है बहुत ज्यादा। यहाँ पे है इन लोगों का गांव। नई बिल्डिंग बनी है यहाँ पर इस बार। पीक दिखाई दे रहा है। अगर आप यहाँ रुकना चाहते हैं तो होम स्टे वगैरह की भी सुविधाएं हैं यहाँ पर। माणा की जड़ी बूटियां सबसे ज्यादा फेमस है। ये रास्ता गया भीम पुल की तरफ को, सरस्वती टेंपल, जो भी सरस्वती रिवर है आपको इधर से दिखेगी, और ये रास्ता गया आपका व्यास गुफा की तरफ। अब गलती से कोई अगर इस वीडियो में यहाँ तक पहुँच गया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दो, ये रिक्वेस्ट है। 2 साल बाद हम वापस यहाँ पर पहुँच गए हैं जहाँ पर सरस्वती नदी का मंदिर है, और इसके बाद सरस्वती नदी जो है वो यहाँ से अलकनंदा में मिल जाती है और इनविजिबल हो जाती है। सामने रही हिंदुस्तान की पहली दुकान, जो पहले आखिरी दुकान हुआ करती थी। ये देखिए, ये जा रही है सरस्वती रिवर यहाँ से, और उधर से आ रही है अलकनंदा, और यहाँ पर से सरस्वती फिर इनविजिबल हो जाती है। इधर सरस्वती जी का टेंपल है। देखिए यहाँ पर सरस्वती माता की मूर्ति है। ये हो गई आपकी रिवर, देखो कितना अच्छा झरना आ रहा है इसका, और इसके ही बगल में है आपका सरस्वती का मंदिर। इसी एरिया में ये नदी दिखाई देती है, उसके बाद तो फिर आपको दिखाई भी नहीं देगी क्योंकि वो उसका एरिया ही नहीं है इससे आगे, वो आगे अलकनंदा में जाकर मिल जाती है। तो ये जो है, ये है भीम पुल, और मंदिर के बगल में ही है भारत की पहली दुकान, जिस पर लिखा हुआ है 1962। सरस्वती रिवर को क्रॉस करने के लिए भीम ने ये 2 चट्टानों को खींच करके यहाँ पर ये पुल बनाया था, जिसको कि भीम पुल कहते हैं, और ये उन्होंने उस समय बनाया था जब वो सभी स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तो उन्होंने यहाँ पर इस पुल का निर्माण कराया था। तो चलिए अब ये शॉप के पास जाके बैठा जाए, कुछ यहाँ पे चाय वगैरह पीनी चाहिए। ये दावा करते हैं कि इनकी दुकान सबसे पुरानी है, बट अभी वो जो गेट आपको सामने दिखाई दे रहा है उसके पार भी एक दुकान बनाई है, उसमें भी यही सेम चीज़ लिखी है, हिंदुस्तान की पहली दुकान। और ये सामने रहा आपका सरस्वती और अलकनंदा का संगम। अब मैं जा रही हूँ स्वर्ग रोहिणी मार्ग की तरफ। ये जो रास्ता है ये है स्वर्ग रोहिणी मार्ग, ये जो गेट आपको दिखाई दे रहा है स्वर्ग को जाने का रास्ता, बट मुझे अभी स्वर्ग नहीं जाना है इसीलिए मैं वापस आ जाती हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा लुफ्त उठाते हैं पकौड़ियों का और चाय का। ये है हिंदुस्तान की पहली दुकान की चाय और पकौड़ी, और मेरा पति। यहाँ पर क्या लिखा है,
मान्यता कहते हैं कि इस छोटी सी दुकान से खाने पीने से या कुछ भी सामग्री लेने से माँ सरस्वती अति प्रसन्न होकर आपके संपूर्ण परिवार को जन्मों जन्मांतर विद्या से नवाजती है। वाह 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 वाह। चलो देखते हैं, चाय पकौड़ी तो हमने ले ली, अब देखते हैं आगे। तो इस के साथ ही मेरी माणा की वीडियो का भी दी एंड करती हूँ मैं, और अगले सफर के लिए निकलती हूँ। तब तक के लिए गुड बाय, और वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, पीठ में इतना बड़ा बोझ है। ओ गॉड, बाय। अब हमें यहाँ से जाना है हेमकुंड साहिब की तरफ को, तो बद्रीनाथ को बाय बाय बोल के अब हम हेमकुंड साहिब की तरफ को जाएंगे, गोविंद घाट जाएंगे पहले। डाइवर्जन पर पहुंच गए हम लोग, और ये वही मोड़ है जहां पर से आपका फूलों की घाटी और हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता निकलता है, और लगभग ये गोविंद घाट है। यहां से हमको जाना पड़ेगा सबसे पहले पुलना, और सबसे पहला गुरुद्वारा यहीं पर पड़ता है गोविंद घाट में, और यहां पर से आपको शेयर टैक्सी वगैरह लेनी पड़ती है, फोर व्हीलर, इससे आगे आपके नहीं जा पाते हैं। बट हमारी बाइक थी तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, बट बाइक भी सिर्फ पुलना तक ही जा पाएगी। और इस ब्रिज के बाद जो रास्ता आने वाला है वो तो बहुत ख़तरनाक है। तो दोस्तों, आपको कैसी लगी बद्रीनाथ और माणा की ये वीडियो? अगली वीडियो में हम आपको लेके चलेंगे हेमकुंड साहिब की यात्रा में। पुलना में हम पहुंच चुके हैं और यहां से हमारा अगला ट्रैक स्टार्ट होने वाला है। फिर मुलाकात होगी हमारी हेमकुंड साहिब की अगली वीडियो में। यहां पे रजिस्ट्रेशन पहले चेक होंगे, तो यहां पर आप रजिस्ट्रेशन अपने चेक कराएंगे, और उसके बाद पार्किंग के चार्जेस हैं 100-200 इस तरीके से। और साइड चल, बस इसको इस वाले में मत बनाओ ना।